अगर एक चौक का टुकड़ा इंसान होता वो अजीब सी आवाजें करता। अगर आप अपनी अलमारी की इज्जत नहीं करते तो ये आपसे बदला लेगी। इसमें जबरदस्ती चीजें भरना और दरवाजा जोर से बंद करना बंद करो। अलमारी को ये व्यवहार पसंद नहीं। देखो तुम कैसे ऊपर से अपना बैकपैक उतारने की कोशिश कर रही हो और इस खरोच का मजा लो। अगली बार से तुम ज्यादा सावधान रहोगी। सब इस परिस्थिति के बारे में जानते हैं। आप अपनी हेडफोन्स रखते हैं और वो बिल्कुल ठीक होते हैं, एक भी गांठ नहीं, पर वो फिर अपनी मर्जी से कुछ करते हैं। पिस्ट, क्या हमें ये करना चाहिए? नहीं, मुझे आज नहीं उलझना। चलो मजा आएगा। शायद हमें नहीं करना चाहिए, चलो साथ में उलझ जाए। ठीक है, पर ये आखिरी बार। मेरे हेडफोन्स फिर से उलझ गए। ये हमेशा कैसे हो जाता है? अलार्म क्लॉक की सबसे बुरी दिनचर्या है। ये सिर्फ अपना काम कर रहा है। उठो, उठ जाओ, अभी इसी वक्त उठो। लेकिन काम करते वक्त वो हमेशा जख्मी हो जाता है। उसे अलार्म क्लॉक यूनियन से संपर्क करना चाहिए। मुझे शांति से सोने दो। ये इस टीवी रिमोट की जिंदगी में एक सामान्य दिन था। जब लोग मुझे छूते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक दादी आकर ये ध्यान नहीं रखते कि रिमोट साफ रहे। चलो इसे साफ करें और इसे एक प्लास्टिक बैग में रखें। देखो तुम्हें अपनी चीजों को ध्यान से रखना चाहिए, अब ये गंदा नहीं होगा। अरे नहीं, बैग में नहीं, प्लीज, मुझे घुटन होती है, मदद करो, मैं सांस नहीं ले सकती। आप गहरी नींद में हैं, स्वादिष्ट सपने देख रहे हैं, पर फिर वो आपके कमरे में आता है। फ्रिज, पस्ट, पस्ट। देखो मेरे पास क्या है, इस चिकन को सूंघो। ऐसा लग रहा है जैसे इस चिकन लेग को भगवान ने खुद बनाया हो। इसे खा कर देखो और तुम सो नहीं पाओगी। फ्रिज जानता है आपको कैसे ललचाया जाए। पिज्जा, सॉसेजेस, आधी रात में खुशी, चलो भी सिर्फ एक टुकड़ा टोफू क्यों खाना, अगर आप ये खा सकते हैं तो चलो सारा मीट खा जाओ। और इससे पहले कि आपको पता चले, आप रात के 2 बजे चिकन को मुँह में लिए फ्रिज के सामने है, डाइन की तरह। सब जानते हैं कि ओरियो को कैसे खाते हैं। ट्विस्ट, लिक, डिप। हे, मेरी कुकी दूध में डूब गई। इसे बचाने के लिए बहुत देर हो गई, पर कुकी गिरने के बाद बहुत खुश है। कुछ नहीं होता, मेरे पास अभी पूरा पैकेज बाकी है। अरे वाह, मैं दूध के स्वर्ग में हूँ। हर ओरियो दूध के ग्लास में नहाने का सपना देखता है। मैं कुकी के राजा जैसा हूँ। वूहू, ये जन्नत है। एक सामान्य क्लास। टीचर को चौक निकालती है और अब हमारे कानों पर जुल्म होने वाला है। वो, ये कैसी आवाज है? क्या किसी को मारा जा रहा है? नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा गुलाबी चौक का टुकड़ा फेयरवेल का गाना गा रहा है। कितनी डरावनी आवाज है। मिस स्मिथ, बेचारी चीज पर जुल्म करना बंद करो। ऑफिस कॉपी मशीन ने हर तरह की चीजें देखी है। ये एक अच्छा दिन है, अगर सिर्फ रोजमर्रा के कागजात ही स्कैन हो तो। कुछ कर्मचारी अपना सुंदर चेहरा कॉपी करना चाहते हैं। छी, अपना गाल मुझसे दूर करो, ये बहुत बुरा है। इसने काम किया, देखो। और कुछ लोग अपना जेरॉक्स करने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं देखना चाहती। यीक्स।
जरा सोचो कि आपका फोन क्या देखता होगा जब आप एक मजाकिया टिकटॉक बनाने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं, ये बकवास पर से नहीं, ट्रेंड्स के प्यार में तुम अपना बट हिलाते हुए थक नहीं जाती? मेरे पिक्सल ये संभाल नहीं सकते, मैं ये और नहीं देखना चाहता। तुम्हारी बैटरी तभी क्यों खत्म होती है जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? अगर सिर्फ स्टीव जॉब्स इसे देख सके, क्या इसलिए मैं 3 कैमरा के साथ पैदा हुआ हूँ? मैं अब और नहीं कर सकता, इसे फिल्म करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। अलविदा जुल्मी दुनिया, चालू हो जाओ, चलो प्लीज। हमेशा की तरह मेरा फोन सबसे बुरे वक्त पर बंद हो गया। ठीक है, मैं जाकर चार्जर लेकर आती हूँ। आप जब भी शीशे में अपने आप को देखते हैं और सोचते हैं आप उतने अच्छे नहीं लग रहे, जरा ये सोचें कि शीशा क्या देखता होगा। अरे वाह, क्या तुम पिशाच हो? जाओ और दोबारा मेरी तरफ मत देखना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, हम सबकी एक ही समस्या है, दूसरी जुराब खो देना। वो कहाँ गई? ढूंढना शुरू करो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे छोटे बच्चे। हे, मैं यहाँ हूँ, मैंने तुम्हें कितने वक्त से नहीं देखा। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मेरा दूसरा हिस्सा। हम जल्द ही दोबारा एक साथ होंगे, चलो इस तरह जोर लगाओ जैसे तुम धुलने जा रहे हो। मुझे ये मिल गई, ये रही दूसरी जुराब। अपनी दोस्त के पास जाओ और हम दोबारा साथ हैं। आखिरकार मैंने तुम्हें बहुत याद किया, चलो साथ में खुशी से रहें जब तक कोई अगली बार धोए नहीं। आप आराम से सो रहे थे लेकिन अब नहीं सो सकते आपके पर्दों की वजह से। तुमने हमें फिर से बंद कर दिया, ये हमें अच्छे से खुलने नहीं देगी, ये नहीं माना जा सकता। तुम 2020 में महिलाओं को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, महिला शक्ति। ये लो तानाशाह, हम चमकेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही मैं लेटती हूँ पर्दे फिर से खुल जाते हैं, ये क्यों हो रहा है? आप नहीं चाहेंगे कि आपके सबसे बुरे दुश्मन का भी नसीब ऐसा हो। अगर टॉयलेट पेपर एक इंसान होता। नहीं प्लीज, मैं कुछ भी करूंगा। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? क्यों? मुझे एक थेरेपिस्ट की जरूरत है। आप सिर्फ अपने कपड़े धोना चाहते थे पर आपकी वॉशिंग मशीन को लगता है कि ये एक एम्यूजमेंट पार्क है। आह नहीं, कुछ भी, पर ये स्पिन साइकिल। ओह, मुझे स्पिनिंग से बहुत चक्कर आते हैं। ये लो अपने कपड़े, मुझे सांस लेने दो। कलाकार कभी ये नहीं सोचते कि जब वो मास्टरपीस बना रहे होते हैं तो उनके ब्रशेस पर क्या बीतती है। दो नए ब्रशेस अपने किस्मत से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हा हा, तुम पहली हो। अरे ये कितना बुरा है, मेरा परफेक्ट हेयर स्टाइल, मेरे खूबसूरत बाल। वो तुम्हारे साथ ही क्या हो गया, तुम कितनी रंगीन हो। चिंता मत करो मिस पोनीटेल, अगली तुम हो। कलाकार ब्रशेस के सिर पर एक बाल भी नहीं छोड़ेगी। हर आर्ट के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। हमें अपने फोन को बाथरूम में ले जाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन कोई अपने फोन की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता। ये भरोसे का सबसे ऊंचा लेवल है मास्टर, बस इसे इतना कस के पकड़े कि ये टॉयलेट में ना गिरे। डेट पर पूरे समय मेरा फोन मेरा ध्यान भटकाता रहा।
ये मैसेज, नोटिफिकेशंस और मिस कॉल भेजता रहता है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? अरे मुझे अकेला छोड़ दो, अब बस 3 घंटों के लिए साइलेंट मोड। क्या आपको हमारी जीवित चीजों की जिंदगी पसंद आई? तो नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको सब में से ज्यादा किस चीज पर तरस आया, फोन, जुराब, टीवी रिमोट या वॉशिंग मशीन। और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आप ड्रूम ड्रूम पर कोई भी मजेदार वीडियो मिस ना करें।